अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को बेडशीट में गोटा पट्टी, सिंपल गोटा पट्टी लगाना बताएंगे और इसका कॉर्नर बनाना बताएंगे कि किस तरीके से हम बेडशीट में कॉर्नर को बनाते हैं और किस तरीके से गोटा पट्टी लगाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। दोस्तों बता दें कि हमने पट्टी को पहले फाड़ लिया है, गोटा पट्टी को, तो आप लोग को दिखा दें कि हमारी इसकी चौड़ाई है 3 इंच हमने लिया है, तो हम 1 इंच आगे और 1 इंच पीछे रखेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा, आधा आधा इंच। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी बेड शीट है, ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो हम क्या करेंगे, गोटा पट्टी को उल्टी साइड से हमें लगाना होता है पहले। तो हम पहले क्या करेंगे, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हम रखेंगे, एक कॉर्नर लेंगे, तो उसके बाद हम 1-1 इंच पे इस तरीके से देखिए 1 इंच पे हम निशान लगा देंगे नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से। तो हमें गोटा पट्टी यहीं से लगाना शुरू करना होगा 1 इंच पे, इसी तरीके से 1 इंच पे हम लगाएंगे। तो हम आप लोग को दिखा दें कि हमें गोटा पट्टी में कॉर्नर किस तरीके से बनाते हैं कोना। तो इस तरीके से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और तिरछे से निशान लगा देंगे, तो ऊपर से हम नीचे तक इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं और हम इसे काट लेंगे। तो देख सकते हैं आप, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोटा पट्टी को रखेंगे और मोड़ के हम देख लेंगे हमारा सही है कि नहीं। तो उसके बाद हम आधा इंच पे निशान लगा देंगे कॉर्नर सिलने के लिए और हम इधर से थोड़ा आधा इंच निशान लगा के दिखा दे रहे हैं कि सिलाई हमको इतना ही लेना है। और उसके बाद हम थोड़ा सा छोड़ के सिलाई लेंगे कम से कम 3 या 4 इंच पर, कि जब हम कॉर्नर को आपस में ज्वाइंट करेंगे तो दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम सिलाई लेते हुए आधा इंच पर हम नीचे तक आएँगे, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए हमने क्या किया है, थोड़ा पहले ही मशीन को हमने सिलाई को रोक दिया है 4 इंच पहले ही, और इस तरीके से हम बेडशीट को बाहर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आधा इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, आधा इंच पट्टी एक्स्ट्रा लेना हमको सिलाई दब जाएगी, आधा इंच जब सिलाई लेंगे हम तो कॉर्नर की, और इस तरीके से हम काट देंगे निशान से। तो उसके बाद क्या करना है, जो हमारा पट्टी है, गोटा पट्टी वाली पट्टी जो हमने लिया है उसको, उसी को कॉर्नर बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले कॉर्नर बनाना बताया था आप लोग को, उस तरीके से ही इसको भी बनाना है। तो हम आधा इंच 1 इंच पे निशान लेंगे, उसके बाद तिरछे निशान लगा देंगे, मिला देंगे निशान को ऊपर तक, उसके बाद हम कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कॉर्नर कट चुका है, कॉर्नर हमारा। उसके बाद जो हमारी बेडशीट वाली पट्टी है उसको हम पलट लेंगे सीधी साइड से, और उसके बाद हम जो कॉर्नर हमने काट लिया पट्टी में उसको उस पर रखेंगे और आधा आधा इंच छोड़ के हमें सिलाई लेना है, सिलाई लेते हुए आसानी होगी, और आधा इंच पहले ही हम सिलाई को रोक देंगे। तो इस तरीके से हम, आप लोग देख सकते हैं, आधा इंच छोड़ के हमें सिलाई इस तरीके से लेना है जिस तरीके से हमने कॉर्नर को काटा है, और नीचे तक आएंगे तो आधा इंच पहले ही हम सिलाई बाहर निकाल देंगे लॉक करके। तो इस तरीके से हम काट देंगे, जो हमारा नीचे वाला पट्टी है उसको हम कट कर देंगे। तो फिर हम जहाँ से हमने सिलाई रोका था उस वहाँ से हमें सिलाई लेना है, तो हम सिलाई लेते हुए कोने तक आएंगे, तो हमारा जो सिलाई वाला है कपड़ा हम दोनों तरफ कर लेंगे, उसके बाद हम बीच मिला करके घुमा देंगे। तो इस तरीके से हम घुमा देंगे और इस तरीके से हमें आधा इंच सिलाई लेते हुए गोटा पट्टी में हमें नीचे तक हम आएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी हमें करना है। तो हम 4 इंच पहले ही हम सिलाई रोक देंगे, उसके बाद हम कपड़े को काट लेंगे इस तरीके से, हमने पहले काट लिया था, काट लेंगे और उसके बाद थोड़ा टाइट करके हमको काटना है कि हमारा लूज ना हो। तो फिर हम पट्टी लेंगे, इस पर भी हम उसी तरीके से कॉर्नर को बनाएंगे। हम आप लोग को इस ये दिखा दे रहे हैं कि आप लोग आसानी से समझ लें, कई बार हम आपको समझा देंगे तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा किस तरीके से हम कॉर्नर को बना रहे हैं। तो फिर दोबारा से उसी तरीके से हम पट्टी को सीधा साइड से करेंगे और ऊपर वाला उल्टी साइड से रख के हम उसी तरीके से आधा इंच छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे और नीचे तक फिर आएंगे, तो आधा इंच पहले ही हम सिलाई को रोक देंगे लॉक करके। तो और हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे जिस तरीके से हमने ऊपर वाला पट्टी को काट लिया था। तो इसी तरीके से हमें फैला लेना है सिलाई को, कपड़े को, जो हमारा सिला हुआ कपड़ा है दोनों तरफ से मोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम नीचे तक आएंगे कॉर्नर तक, उसके बाद कपड़े को फैला लेंगे, सिलाई वाले कपड़ा जो हमारा कॉर्नर का है,
और उसके बाद बीचों बीच आने के बाद हम पट्टी को घुमा देंगे। फिर उसी तरीके से हमें सिलते हुए नीचे तक आना है, तो इसी तरीके से हम सिलते हुए नीचे तक आएंगे और उसी तरीके से फिर से हमें मशीन को बाहर निकाल लेना है। और हम जो आप देख सकते हैं कि हमने पहले जो कोना बना लिया है, तो हम इसको बराबर से कट कर देंगे आधा इंच बढ़ा के, और उसके बाद हम जो पहले वाला हमारा पट्टी है उस पर रखेंगे इस तरीके से, और हम सिलाई को उसी तरीके से लगा देंगे। तो आप लोग ने देखा कि हमने तीन ही कॉर्नर बनाया, आप लोग को दिखाया, तो एक हम बना लिया, हमने एक नहीं दिखाया आप लोग को। तो इस तरीके से हम कट कर देंगे, उसी तरीके से सिलाई लेंगे जिस तरीके से हमने आप लोग को समझाया है, और बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस तरीके से कपड़े को रखना है। और जहाँ से हमने सिलाई को रोका है वहाँ से हम सिलाई लेते हुए कोने तक आएंगे, जहाँ तक हमारा कोना सिला हुआ है, कॉर्नर गोटा पट्टी वाला, तो वहाँ हम बीचों बीच तक लेकर आएंगे जो हमारी सिलाई वाले कपड़ा है, दोनों तरफ को घुमा देंगे इधर उधर, एक नीचे एक ऊपर, और उसके बाद तरीके से घुमाते हुए हम सिलाई में सिलाई को मिला देंगे। तो हमारा जो है गोटा पट्टी चारों तरफ लग चुका है। तो इस तरीके से हम कॉर्नर को पलट लेंगे और कैंची की नोक से हम सीधा कर लेंगे। तो आप लोग किसी चीज़ से भी नोक को बाहर निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं आप, हम चारों कॉर्नर को इसी तरीके से ऊपर की तरफ निकाल देंगे, कोने को बाहर निकाल देंगे। आप लोग सुई से भी निकाल सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग निकाल पाएँ उसी तरीके से सभी कॉर्नर को बाहर निकाल दें, कोना सही से बन जाए। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम सभी कोनों को सही कर देंगे। दोस्तों आप लोग देखते रहिए कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा खुला हुआ आधा इंच है, पहले ही हमने सिलाई को लॉक कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, वही आधा इंच कपड़ा हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और सिलाई को उसी पे लगाते हुए आएंगे। आप लोग को बता दें, जब आप सिलें तो सिलाई पे ही सिलाई लें, सिलाई के अंदर ना करें, ना तो सिलाई दिखने लगी बाहर, तो सिलाई पे ही सिलाई को लगाएं, अंदर सिलाई कर दें गोटा पट्टी के अंदर, बाहर ना करें, तो फिनिशिंग दिखेगी आपकी गोटा पट्टी में। इस तरीके से हम नीचे तक आ चुके हैं, कोने तक आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम निशान पे जो हमारी सिलाई है, सिलाई पे कपड़े को रख के सिलाई लेंगे और कोने तक आ करके हम सिलाई को घुमा देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, फिर दोबारा से उसी तरीके से हम सिलाई लेते हुए नीचे तक आएंगे। हमें पूरा गोटा पट्टी जो है इसी तरीके से सिलाई लेना है। तो आप लोगों ने देखा कि हम दूसरी वाली पट्टी भी हम इस तरीके से सिल लिया हमने, इस तरीके से कॉर्नर जो हमारा कपड़ा है जो अंदर की तरफ दाबना है, तो उसको हम अंदर कर लेंगे बराबर से आधा इंच, उसके बाद इस तरीके से घुमा देंगे कोने तक आ करके, हम सिलाई को घुमा देंगे। सिलाई पे जो नीचे वाला हमारा पहले वाला सिलाई है उसको बाहर नहीं निकालना है, हमें अंदर ही रखना है, हमारा दिखना नहीं चाहिए। आप लोग इस तरीके से सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो गोटा पट्टी है लगभग पूरी होने वाली है। तो इस तरीके से हम कपड़े को अंदर करते हुए सिलाई को लगा देंगे और हम मशीन को घुमा देंगे। इस तरीके से हमारी सिलाई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं पूरी गोटा पट्टी में सिलाई लग चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गोटा पट्टी किस तरीके से लगी है और कैसे दिख रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमारा सभी कोने को देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमारे बेडशीट के कॉर्नर को किस तरीके से हमने बनाया है। तो आप लोग देखें, ज़रूर आप लोग को समझ में आया होगा, हमारा बताने का तरीका आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों तो आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं पूरे बेडशीट को, कि पूरे बेडशीट में किस तरीके से हमने गोटा पट्टी को किनारे किनारे पे लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं किनारे किनारे से हम जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हमने पूरे बेडशीट पे किनारे किनारे पे किस तरीके से गोटा पट्टी को लगाया हमने। तो आप लोग देखें इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी गोटा पट्टी लग के चुकी है, पूरी बेडशीट में लग के तैयार हो चुकी है हमारी बेडशीट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारा
गोटा पट्टी लगाने का तरीका आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग को कैसी लगी हमारी डिज़ाइन और गोटा पट्टी लगाने का तरीका। तो आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।